तो फिल्म की शुरुआत में हमें फ्यूचर यानी आने वाला वक्त दिखाया जाता है। इंसान जैसा दिखने वाला ये बहुत ही अच्छा रूप है जिन्हें जेसी इंसान के नाम से जाना जाता है। इनका नाम जेसी एक कंपनी के नाम पर रखा गया है क्योंकि उसी कंपनी ने इन लोगों को बनाया है। तो अब इसीलिए कुछ जेसी इंसानों को एक स्पेसशिप के जरिए स्पेस में भेज दिया जाता है। वो लोग एक प्लेनेट एक सियारे पर जाकर अपने गहरी नींद से जागते हैं जो सब एक चेंबर में सो रहे थे स्पेस तक आने के लिए। यहाँ आने का उनका मिशन था कि वो लोग एक स्पेसशिप जिसका नाम एट्रोमिटोस है उसे ढूंढे जो इस सियारे पर भेजा था, मगर अब उसका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। उसके अंदर कोई गड़बड़ी भी हो गई थी क्योंकि उस स्पेसशिप में ही वो चीज है जिसे जमीन पर ले जाकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। और फिर बहुत जल्द इन्हें वो स्पेसशिप इन्हें एट्रोमिटोस मिल भी जाता है, मगर वो देखते है कि इसमें तो एक काफी बड़ा छेद बना हुआ है। उसकी हालत से लग रहा है कि वो जल्द और भी टूट जाएगा, इसीलिए ये लोग एट्रोमिटोस को अपने स्पेसशिप के साथ जोड़ने के लिए सारी एनर्जी लगा देते हैं जिससे आखिरकार दोनों स्पेसशिप अच्छे से जुड़ जाते हैं एक साथ। लेकिन जब उनके साथियों में डॉक्टर और उसके साथी इस बात की खुशी में एक दूसरे से ताली मारने लगते हैं तो उनका सीनियर उन्हें गुस्सा होता है और ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ऐसा करने से उनके जेसी सिस्टम में खराबी हो सकती है। जिसके बाद वो लोग जेसी कंपनी के मैनेजर से रब्ता करते हैं और बताते हैं कि हमें एट्रोमिटोस मिल गया है और अब हम उसका कंप्यूटर भी चला पा रहे हैं। लेकिन हाँ, अब से पहले इस कंप्यूटर को 3 माह पहले चलाया गया था जिसके बाद तो वहाँ से कोई खबर नहीं आई, ना ही कोई वहाँ से जवाब दे रहा है। इस वजह से हमारा मानना है कि एट्रोमिटोस के सारे लोग मारे गए हैं। जिस पर मैनेजर कहता है कि अगर तुम एट्रोमिटोस को बचाने के लिए अगर कोई मिशन करना चाहते हो तो अपना वक्त ही बर्बाद कर रहे हो। तुम बस ऐसा करो, एट्रोमिटोस पर रखा सारा जरूरी सामान ले लो और बस वापस अपने स्पेसशिप में आ जाओ। और जो सामान तुम्हें बचाकर लाना है वो एक केमिकल का बॉक्स है यानी जिसकी मदद से हम जमीन के माहौल को ठीक कर सकते हैं। तुम्हें तब तक वहाँ रहना होगा जब तक तुम उसे हासिल न कर लो। इसे लेने में तुम्हें 2 साल भी लग सकते हैं। अब हम देखते हैं इनकी एक साथी को जिसका नाम आरिस है जो अपने कंप्यूटर पर एट्रोमिटोस की सारी जानकारी निकाल रही होती है। एक वीडियो में एट्रोमिटोस का कैप्टन कहता है, शुक्र है आखिरकार 3 रुकावटों के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं। मगर फिर दूसरी वीडियो में कैप्टन कहती है कि हर गुजरते घंटे के साथ यहाँ के हालात खराब होते जा रहे हैं, सब लोग अजीब हो गए हैं, बगावत पर उतर आए हैं। ये देखकर उनका सीनियर कहता है, क्या है ये आम इंसान भी हमेशा कोई न कोई गड़बड़ी कर देते हैं, फिर आखिर में हम जैसे लोगों को ही सब ठीक करना पड़ता है। अब अचानक से उन्हें एट्रोमिटोस से तेज गाने की आवाज आने लगती है। अभी तक उसका दरवाजा बंद था जिसे जैसे उनका डॉक्टर साथी खोलता है ये सब अपनी अपनी गन्स लेकर एट्रोमिटोस के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही उन्हें दीवारों पर कुछ अजीब तरह की तस्वीरें दिखाई देती है, साथ ही गाना भी वहाँ इतना तेज था कि वो लोग एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुन पा रहे थे। अब तभी यहाँ एक रोबोट आकर इन पर हमला कर देता है। इस रोबोट को इसलिए बनाया गया था ताकि वो इस स्पेसशिप की हिफाजत कर सके, मगर अब इससे पहले वो इन्हें कोई नुकसान पहुँचाता ये उसे ही तबाह कर देते है। फिर इस पूरी जगह की जाँच करने के लिए वो अलग अलग हिस्सों में चली जाती है। डॉक्टर देखता है कि स्पेसशिप का ब्लैक बॉक्स यहाँ से जबरदस्ती निकाल दिया गया है। ब्लैक बॉक्स यानी एक ऐसा बॉक्स जिसमें किसी भी स्पेसशिप और इसकी फ्लाइट की जानकारी रखी जाती है, साथ ही शिप को कंट्रोल भी किया जा सकता है। मगर फिर भी वो किसी तरह वहाँ चल रहे गाने को बंद कर देता है। वो लोग देखते हैं कि यहाँ के पेड़ पौधे काफी बड़े हो गए हैं और फिर इन्हीं के बीच उन्हें एक इंसान जैसे दिखने वाली रोबोट मिलती है जिसे इसलिए बनाया गया था ताकि वो यहाँ एट्रोमिटोस पर आने वाले लोगों की मदद कर सके। वो फिर इनसे बात करती है, कहती है कि एक इंसान अभी भी एट्रोमिटोस पर जिंदा है जिसका नाम ट्रेविस है। और फिर ढूंढने पर आयरिस को ट्रेविस मिल भी जाता है, मगर उसकी हालत काफी खराब थी, बड़े बड़े बाल थे और वह चुपचाप बैठा था। उसे देखने से लग रहा था जैसे वो कोमा में है। इसके बाद इनका सीनियर अपने मिशन पर निकल जाता है। इन्हें जिस मकसद के लिए वो यहाँ आए थे वो था केमिकल बॉक्स को ढूंढ कर वापिस लाना, मगर काफी ढूंढने पर भी वो उसे यहाँ मिलता ही नहीं। अब ये सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, सब कहते हैं कि हमने हर एक जगह पर वो केमिकल बॉक्स ढूंढा लेकिन हमें वो कहीं पर भी नहीं मिला। अब ये लोग अपने सिस्टम में ट्रेविस के बारे में पता लगवाने लगते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि ट्रेविस एक इंजीनियर है। अब मजीद जांच करने पर उन्हें ट्रेविस के बारे में खास पता नहीं लगता। अब इनका सीनियर इन्हें बताता है कि बाहर से देखने में तो ट्रेविस बिल्कुल ठीक लग रहा है, मगर उसके दिमाग में काफी गड़बड़ियाँ चल रही है। हो सकता है किसी बड़े हादसे की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ हो। अब इनका कमांडर ट्रेविस से बात करने की कोशिश करता है मगर वो उसे कोई जवाब नहीं देता, तो इसीलिए वो ट्रेविस की जिम्मेदारी आरिस को देता है क्योंकि वो दिमाग के काफी अच्छे डॉक्टर है। अब सारी जानकारी हासिल करने के लिए वो रोबोट भी इनकी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि एट्रोमिटोस की तरह उसकी भी सारी यादें मिटा दी गई है। इसी दौरान डॉक्टर के दोस्त को कंपनी के मैनेजर का मैसेज मिलता है जिसमें वो पूछ रहा था कि क्या तुम्हें केमिकल बॉक्स मिल गया है, और हाँ मैंने तुम्हें बताना था कि तुम यहाँ काफी देर तक शायद फंसे रहने वाली हो, इसीलिए अपने इस वक्त का अच्छे से इस्तेमाल करो और केमिकल बॉक्स को ढूंढने में लग जाओ। अब आरिस ट्रेविस के पास जाकर उसे दोस्ती करने की कोशिश करते
जाती है और पूछती है कि जो लोग एट्रोमेटोस पर आए थे उनके बीच की ताल्लुक दोस्ती कैसी थी, क्योंकि स्पेस में काफी दिन तक रहना इन चीजों पर असर डाल सकता है। अबारिस कमांडर और सीनियर भी पास जाकर उन्हें बताती है कि मैंने जितने भी सवाल ट्रेनी से किए उसने मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, मगर जैसे मैंने इस रोबोट लड़के का नाम लिया तो उसके चेहरे पर अजीब से बदलाव आने लगे और इंसानों में ये बात हैरानी वाली नहीं है कि वो किसी रोबोट को पसंद करने लगे, खास करके तब जब वो रोबोट इंसान जैसी ही दिखती हो। और जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेविस एक इंजीनियर है, तो हो सकता है कि उसने इस रोबोट लड़के में बदलाव कर दिए हो अपने मुताबिक जिसे वो चाहता है, जिस पर सीनियर कहते हैं कि मैं अब इस रोबोट की जांच करना चाहता हूं और पता लगवाना चाहता हूं कि आखिर ट्रेविस और इस रोबोट के बीच में क्या है और ट्रेविस ने अगर इसके साथ किया है तो क्या किया, जिस पर कमांडर फैसला करते हैं कि अब से मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोबोट लड़के को ट्रेविस के पास भेजूंगा क्योंकि ऐसा करके वो लोग सारी बात पता लगवा सकते हैं, जिसमें वो इस रोबोट लड़के को चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ देर के बाद पूरे स्पेसशिप की बिजली चली जाती है और इन्हें पता चलता है कि ट्रेविस तो यहाँ से भाग गया है और शायद वो अपने साथ एक गन भी ले गया है क्योंकि वहाँ पे रखी एक गन गायब थी। अब गन लेकर आयरिस ट्रेविस को ढूंढने जाती है, वो उसे मिल तो जाता है मगर वो देखती है कि ट्रेविस ने मुझ पर ही गन तानी हुई है, इसीलिए वो प्यार प्यार से ट्रेविस से बात करने की कोशिश करती है। वो जैसे उसे काबू करने वाली होती है कि तभी यहाँ कमांडर आ जाते हैं गन लेकर, वो आखिर ट्रेविस की गन नीचे कर देता है जिसके बाद ट्रेविस को दोबारा से बंदी बना लिया जाता है। आयरिस कमांडर से कहती है कि जब मैं अपना काम कर रही थी तो तुम बीच में क्यों आई, तो मैं मुझ पर मेरे काम पर मेरे तरीके पर शक है किया। कमांडर बोलता है कि तुम ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ और सिर्फ मिशन के मुताबिक ही काम करो, ठीक है ना। उधर जब डॉक्टर और उसके दोस्त साथ में थी तो डॉक्टर की दोस्त बड़ी अजीब चीज करती है, वो अपनी जैकेट उतारते हुए बोलती है कि यहाँ एसी के बगैर कितनी गर्मी है ना। अब उसका ऐसा बर्ताव देखकर डॉक्टर को काफी अजीब लगता है क्योंकि वो जैसे इंसान है इसीलिए उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं होना चाहिए। अब कुछ देर के बाद इनका पूरा सिस्टम ठीक हो जाता है, जहाँ तभी फिर कंपनी के मैनेजर का मैसेज आता है जिसमें वो कहता है कि तुम्हारे सबसे जरूरी मिशन उस केमिकल बॉक्स को कैसे भी करके ढूंढ कर लाना है क्योंकि बाकी सारी चीजें तो बाद की बात है। आयरिस एक बार फिर दीवार पर बनी पेंटिंग्स और तस्वीरें देखती है और दोबारा से ट्रेविस के पास जाती है, वो इस बार उसे उन पेंटिंग्स और तस्वीरों की ही बात करती है, जिसके बाद वो रोबोट लड़की को दोबारा से ट्रेविस के पास भेजती है। खुद वो एक दूसरी जगह पर आकर एक छोटी सी कैमरा के जरिए उन दोनों को देख रही थी, वो देखती है कि ट्रेविस रोबोट के कान में मैंड्रिन जुबान में कुछ कह रहा है। अब आयरिस अपने सीनियर से बात करने जाती है जहाँ वो कहता है मुझे याद नहीं आ रहा मैं यहाँ क्यों आया था और ये काफी अजीब है क्योंकि मैं जिसे कभी नहीं भूलता। अब सीनियर को मैंड्रिन जुबान आती थी इसीलिए उसके पास आई थी, वो फिर सीनियर को ट्रेविस की कही बात सुनाती है मगर क्योंकि ट्रेविस काफी हल्का बोल रहा था इसलिए फिलहाल तो उसे कुछ भी समझ नहीं आती, इसीलिए वो कहता है कि अभी तो मैं इसे समझ नहीं पा रहा, तुम ऐसा करो ये रिकॉर्डिंग मुझे दे दो मैं इसे बाद में सुनकर अच्छे से समझ लूंगा। जिसके बाद दोबारा से आयरिस ट्रेविस और रोबोट पर नजर रखने के लिए पहुंच जाती है, वो फिर देखती है कि मेरा हाथ कांप रहा है तो इसीलिए किसी की भी नजर में आने से पहले वो अपने हाथ को काबू कर लेती है। कुछ देर के बाद जब रोबोट बाहर आती है तो आयरिस उससे पूछती है कि ट्रेविस ने तुम्हारे कान में क्या कहा था, जिसके जवाब में रोबोट कहती है कि उसने कहा था कि हम बेशक एक नहीं हो सकते मगर तुम मेरे दिमाग में हमेशा हो। और अब जब ये बात सीनियर को पता चलती है तो वो समझ जाता है कि ये बात गलत है क्योंकि अब तक रिकॉर्डिंग वो भी सुन चुका था और समझ गया था कि रोबोट किसी वजह से झूठ बोल रही है, मगर एक रोबोट ऐसा कैसे कर सकती है क्योंकि रोबोट तो झूठ बोलते ही नहीं है। अब ये सब लोग आपस में बात कर रही होती है कि आखिर कैसे हम ट्रेविस से अपने सवालों के जवाब हासिल करें। सीनियर उसे मारपीट करके जवाब लेने का मशवरा देता है मगर कमांडर और डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाएंगे इसमें वो ट्रेविस को मारे पीटे। अब डॉक्टर के साथ ही बोलती है कि मेरे बाथरूम में कोई खराबी हो गई है तो डॉक्टर उसे ठीक करने के लिए चला जाता है। वो जब खराबी ठीक कर देता है तो उसकी दोस्त उसे गले से लगा देती है और अपने साथ रुकने का बोलती है। उधर आयरिस अभी भी ट्रेविस पर नजर रखी हुई थी और इस पर ट्रेविस बोलता भी है मगर रशियन जुबान में। अब इससे पहले कि उसकी बोली हुई बात को कंप्यूटर समझ पाता एट्रोमेटोस हिलने लगता है, जहाँ तभी उन्हें पता चलता है कि एक जगह का दरवाजा खुला हुआ है इसीलिए इनके स्पेसशिप में बाहर की सारी हवा आ रही है। कमांडर देखता है कि डॉक्टर अपनी दोस्त की कमरे से बाहर आ रहा है मगर फिलहाल के लिए वो इस बात को नजरअंदाज करके आने वाली मुसीबत पर ध्यान देता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि ये दरवाजा किसने खोला और वो भी सामान वाले कमरे का, क्योंकि वो तो हमेशा ही काफी मजबूती से बंद रहता है। दरवाजा बंद करने डॉक्टर रस्सी पहन के बाहर जाता है और रस्सी को कमांडर ने पकड़ा हुआ था। वो दरवाजा तो बंद कर देता है मगर डॉक्टर की दोस्त रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद मेरा दोस्त मुसीबत में है। अब कमांडर तो सही सलामत आ जाता है मगर हवा के प्रेशर से डॉक्टर बेहोश हो जाता है, इसीलिए सीनियर उसे चेक करने उसकी जांच करने अपने साथ ले जाता है। वो फिर बताता है कि मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, इससे बस थोड़े आराम
की जरूरत है, फिर ये अपने नॉर्मल हालत में आ जाएगा। इसके बाद कमांडर डॉक्टर के दोस्त को डांटने लगता है, क्योंकि जब वो उसका बाथरूम ठीक करने गया था तो उसने डॉक्टर को गले से लगा लिया था। वो कहते हैं कि तुम्हें ये बात अच्छे से याद रखनी चाहिए कि हम आम इंसान नहीं है, बल्कि हम जैसे इंसान है। दोस्ती करना, करीब आना, ये सब हमारे लिए नहीं बना, थोड़ा ख्याल रखो तुम। आरी सब सीनियर से पूछती है कि क्या कोई रोबोट झूठ बोल सकता है, जिसमें सीनियर कहते हैं कि हाँ रोबोट झूठ बोल सकते हैं अगर उन्हें किसी बात का झूठा जवाब देने के लिए प्रोग्राम किया जाए तो। वैसे अपनी मर्जी से वो कोई झूठ नहीं बोल सकती। और हाँ, मैंने उस रोबोट लड़की की जांच की थी, मगर मुझे तो उसमें से कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं मिली। अब आरिस दोबारा से अपने सिस्टम पर आ जाती है ताकि ट्रेविस की रशियन जुबान में कही हुई बात को समझ सके, मगर तभी यहाँ डॉक्टर की दोस्त आ जाती है और बताती है कि ट्रेविस ने जो रशियन जुबान में कहा है ये तो एक किताब में लिखी गई बात है। हमें जिंदा देखकर ये ट्रेविस पता नहीं क्या सोच रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। ये सुनकर आरिस फौरन ट्रेविस के पास जाती है और उसे बिजली का झटका लगाती है। कहती है कि मुझे लगता है तुम बिल्कुल ठीक हो, बस बीमार होने का ड्रामा कर रही हो। आपकी बार इस बात का जवाब ट्रेविस फ्रेंच जुबान में देता है, जो आरिस समझ भी जाती है क्योंकि उसे भी थोड़ी बहुत फ्रेंच जुबान आती थी। इस बार उसने दोबारा से किसी किताब का जिक्र ही किया था। डॉक्टर की दोस्त ने एट्रोमेटोस का वो सिस्टम तय कर लिया होता है जिससे वो राब्ता कर सकती थी, मगर उसे दोबारा से वही वीडियो आ जाती है जो पहले भी आई थी। असल में ये सारे पुरानी रिकॉर्डिंग है जो हर 2 घंटे के बाद आ रही है। कमांडर उसे कहते हैं कि तुम लगातार जमीन पर मैसेज भेजती रहो जब तक कोई जवाब नहीं आ जाता। ये देखकर वो रोने लगती है। इस पर कमांडर उसे दोबारा से डांटता है कि तुम क्या कर रही हो, जैसे हो कर रो रही हो। अब इसी वक्त डॉक्टर भी यहाँ आ जाता है, जिसे देख उसकी दोस्त गले से लग जाती है। अब उनको ऐसे देखकर कमांडर दोबारा से उन्हें डांटता है, कहता है कि ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है, अगर उस दिन तुम दोनों साथ में ना होती तो तुम्हें पता चल जाता कि सामान वाली कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और हमें ये सब ना देखना पड़ता, तो इसीलिए चिपकना बंद करो और दूर रहो एक दूसरे से, क्योंकि तुम दोनों की गलती की वजह से ही हम सब मरने वाले थे। वो फिर डॉक्टर की दोस्त को कहते हैं कि तुम तो सबसे पहले काम करो, तुम जाओ सीनियर के पास अपने जांच करवाने कि आखिर तुम इतने जज्बाते क्यों हो रही हो। वो डॉक्टर को फिर बताता है कि ना कोशिश के बाद भी जानकारी नहीं मिल रही, पता नहीं जानकारियां कहां चली गई है। सीनियर डॉक्टर की दोस्त की जांच कर रहा होता है मगर उसे कोई भी गड़बड़ी नहीं मिलती। वो फिर सीनियर से पूछती है कि आजकल आपको कुछ अजीब महसूस हो रहा है। अब हालांकि सीनियर को अजीब महसूस हो तो रहा है, मगर इसके बावजूद भी वो ना में जवाब देता है। इधर आयरिस ट्रेविस की फ्रेंच में बोली गई बात की जांच कर रही है, जिसके बाद वो दीवार पर बनी तस्वीरों और पेंटिंग्स पर लाइट मार के देखती है, जहां उसे छुपा हुआ मैसेज समझ आ जाता है। वो पुरानी जानकारियों को भी देखती है। अब कमांडर उसके पास आता है ये पूछने के लिए कि अभी तक तुम्हें क्या जानकारी मिली है, जिस पर आयरिस बताती है कि एट्रोमेटोस कभी भी खतरे में नहीं था। हमारे आने से पहले ट्रेविस एट्रोमेटोस को सबसे बड़े सैयारे पर ले गया था, जो काफी खतरनाक था, क्योंकि ऐसा करना उसकी मजबूरी थी। और वो केमिकल बॉक्स जिसे हम ढूंढने आए हैं उसे लेकर भी एट्रोमेटोस के लोगों के बीच में बहस हो गई थी, इसीलिए मुझे लगता है कि कंपनी के मैनेजर ने हमें केमिकल बॉक्स के बारे में जो भी बताया है वो सच है ही नहीं, या अगर सच है भी तो आधा अधूरा है। फिर वो दीवार पर बना खुफिया मैसेज देखती है, जो पाने जैसे किसी चीज का केमिकल फॉर्मूला था, एक ऐसी केमिकल का जो बाहर की चीजों से बड़ी आसानी से जुड़ जाता है। दूसरी तरफ पानी की ड्रॉइंग बनी हुई थी, जिसे देखकर आयरिस बताती है कि तुम्हें याद है ट्रेविस ने मुझ पर गन तानी थी, तो दरअसल उसने मुझ पर नहीं बल्कि मेरे पीछे रखी पानी की फिल्टर मशीन पर तानी थी। खैर जो भी है, मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि जो भी केमिकल है बहुत खतरनाक है और पानी से इसका कोई ताल्लुक है, जो हम जैसे लोगों और इंसानों के लिए खतरा है। जिस पर कमांडर कहते हैं कि या तो इन सब पर कोई सबूत लेकर आओ या फिर ट्रेविस का मुंह खुलवा कर उससे जानकारी लो। वो फिर दोबारा से ट्रेविस के पास जाती है और कहती है कि मुझे सब बता दो, जिस पर दोबारा से वो किताबों की बातें करने लगता है और ये भी कि उस केमिकल बॉक्स की वजह से सब के सब मारे जाएंगे। साथ ही वो जोर से हंसने भी लगता है, जिस वजह से आयरिस को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो यहाँ से चली ही जाती है। इस दौरान आयरिस और सीनियर दोनों के साथ ही अजीब होता है। आयरिस का हाथ कांप रहा था तो सीनियर बातें बोल रहा था। अब डॉक्टर कमांडर को बताता है कि अगर केमिकल बॉक्स को स्पेस में छोड़ा होगा तो वो बड़े प्लेनेट की जमीन पर जाकर गिर गया होगा, मगर टूटा भी नहीं होगा क्योंकि उस बॉक्स को खास तरह से बनाया हुआ था और जानकारी के बगैर उस बॉक्स को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा, इसीलिए वो अभी भी वहीं सही सलामत हो सकता है। अब सारे हालात को देखते हुए कमांडर ये मंजूरी दे ही देता है कि कैसे भी करके ट्रेविस से जानकारी निकलवाओ, चाहे तो फिर उसे मारना ही क्यों ना पड़े। फिर आयरिस ट्रेविस के पास आकर पूछती है कि जल्दी बता दो केमिकल बॉक्स कहाँ है, वरना सीनियर तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारेगा और लहूलुहान कर देगा। अब पहले तो वो कोई जवाब नहीं देता, देखता है कि सीनियर रोबोट के हाथ को नुकसान पहुंचा रहा है, और फिर जैसे वो रोबोट के सर को झटका देकर उसे तोड़ने ही वाला था तो तब ट्रेविस बोलता है कि रुको मैं बताता हूँ केमिकल बॉक्स के बारे में, मैं तुम्हें उस बॉक्स के बारे में
सारी जानकारी दूंगा, अगर तुम मुझे पहले मेरे इस रोबोट को ठीक करने दो। अब डॉक्टर दोबारा से अपने दोस्त से मीठी मीठी बातें करके उसके गले से लग जाता है। उसकी दोस्त भी बातों में आ जाती है, इसीलिए वो उसे रोकती भी नहीं। ये देखकर कमांडर को इतना गुस्सा आता है कि वो जाकर डॉक्टर को पीटने लगता है, मगर सीनियर उनकी लड़ाई छुड़वा कर वो जानकारी बताता है जो ट्रेविस से मिली थी। जानकारी की मदद से वो उस जगह के बारे में पता लगवा लेती है जहाँ वो बॉक्स है, मगर जब भी उस जगह को चेक करती है तो इन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। कमांडर बोलता है कि मैं और डॉक्टर नीचे जाकर बॉक्स को ढूंढते हैं और अपने साथ ले आते हैं। जिस दौरान आयरिस उस रोबोट को ठीक करने का सामान लेकर ट्रेविस के पास आती है और पहले की तरह सवाल जवाब करती रहती है। ट्रेविस बताता है कि मैंने ही लाशों और उस केमिकल बॉक्स को उस बड़े प्लेनेट पर भेजा था, मैंने ही एट्रोमेटोस और इस रोबोट की यादों को मिटाया था, मगर आखिर में मैं खुद को नहीं खत्म कर पाया। असल में यहाँ एक काफी बड़ी गड़बड़ी हो गई थी जिस वजह से एट्रोमेटोस में ये सब हुआ। मैं क्योंकि उस गड़बड़ी को भूल नहीं पा रहा था, इसीलिए मैंने उसे यहाँ के हर एक दीवार पर बना दिया, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आए गड़बड़ी का उन्हें खुद ही पता चल जाए, क्योंकि जो भी गड़बड़ी मसला मसाइल यहाँ पर था वो जुबान से बताया नहीं जा सकता। असल में जब उस केमिकल बॉक्स को अंदर शिप में लाया जा रहा था तो किसी के कपड़ों के साथ लगकर वो केमिकल भी अंदर आ गया और पानी में मिक्स हो गया, जिस वजह से यहाँ का सारा पानी खतरनाक जहरीला जानलेवा हो गया और यही वजह है कि इतनी तेजी से लोग मारे गए। हालांकि मैंने इस बारे में जमीन पर मैसेज भी भेजा था, यानी कि केमिकल की वजह से पानी खतरनाक हो गया है और लोग मर रहे हैं, मगर मैनेजर ने बड़ी आसानी से ही हल्के से मुंह से कह दिया कि तुम्हारे पास पानी को फिल्टर करने वाली मशीन है, तुम उसके जरिए पानी को ठीक कर लो, मतलब कि पानी के अंदर से केमिकल को निकाल दो, जिसका मतलब साफ था कि मैनेजर इस बारे में पहले से ही जानता था। आगे वो बताता है कि हमारे लोग दो ग्रुप्स में बैठ गए थे और वो लोग जो जान गए थे कि ये केमिकल कितना खतरनाक है, इसे जमीन पर नहीं ले जाना, उन्हें मैनेजर के साथियों ने मार दिया और सिर्फ मैं जिंदा इसलिए बच गया क्योंकि मैं किसी की तरफ नहीं था, मगर फिर बचे हुए लोगों को भी कोई मारता जा रहा था। अब जिस लैब में जैसे इंसानों को बनाया गया था, इन्हें उस कंपनी की वो इंसानों को खत्म करना चाहती है। यही वजह थी कि मैनेजर इस बॉक्स को बार बार जमीन पर क्यों मंगवा रहा है, क्योंकि इसके जरिए वो पूरे इंसानियत का खात्मा करना चाहता है। वो लोग इंसानों को इसलिए मारना चाहते हैं ताकि इंसान के खून से जैसे इंसान को पहले जैसा ठीक किया जा सके, मतलब जो बदलाव जैसे में आते हैं वो ठीक हो सके। ये सारी बातें सुनकर जैसे आयरिस वहाँ से जाती है तो ट्रेविस अपने रोबोट को ठीक करने में लग जाता है। अब डॉक्टर के दोस्त के पास मैनेजर का मैसेज आता है जो कहता है कि ये मेरा आखिरी मैसेज है। आगे वो कहता है कि मुझे पता चल रहा है कि तुम लोग अजीबोगरीब से महसूस कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे डीएनए अब बदल रही है जिन्हें ठीक भी नहीं किया जा सकता। और हाँ, ट्रेविस ने बिल्कुल ठीक बताया है कि इंसानों को मारा जा रहा है, इसीलिए क्योंकि तुम भी ठीक नहीं हो सकते तो थोड़ी देर में तुम पागल हो जाओगे। इसके बाद वो आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि क्या किया जाए, जिस पर सीनियर कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं, ट्रेविस के कौन से खुद को ठीक कर लेते हैं क्योंकि वो भी तो एक इंसान ही है ना, मगर एक मुसीबत है, ऐसा करने से ट्रेविस ही मारा जाएगा। ये सुनकर आयरिस कहती है कि कुछ भी करने से पहले हमें कमांडर और डॉक्टर के वापस आने का इंतजार करना चाहिए जो नीचे गई है केमिकल बॉक्स को ढूंढने के लिए। अब कुछ देर के बाद जब वो वापस आते हैं तो आपस में बैठकर ये बातचीत करने लगते हैं कि अपने अपने जान बचाने के लिए क्या किया जाए, और फिर आखिर में वो इस बात पर राजी हो ही जाते हैं कि अब ट्रेविस का खून निकाल कर खुद को ठीक कर लेंगे, क्योंकि एक इंसान की जान बचाने के लिए वो पांच नहीं मर सकते। इसीलिए सीनियर ट्रेविस का खून लेने के लिए चला जाता है। अब तभी उन्हें ट्रेविस की बताई बात से पता चलता है कि एट्रोमेटोस पर बाद में जितने भी लोग मारे गए थे उन्हें और किसी ने नहीं बल्कि इस रोबोट ने ही मारा था। एक इसी वक्त रोबोट जाग जाती है और सीनियर पर हमला करके उसका गला पकड़ लेती है। फिर जैसे सब लोग अपनी गर्ल्स लेकर वहाँ पहुँचते हैं तो सीनियर को बेहोश पड़ा देखते हैं, जबकि वो रोबोट तो ट्रेविस को अपने साथ लेकर भाग चुकी थी। अब तभी इन्हें कोई आवाज सुनाई देती है जिसे डॉक्टर चेक करने जाता है, मगर जब वो वापस आता है तो ये देखकर काफी हैरान और दुखी हो जाता है कि उसके प्यारे दोस्त को उस रोबोट ने मार दिया है। अब इस बात से उसे इतना गुस्सा आ गया था कि आयरिस की मना करने के बावजूद भी वो अकेला ही रोबोट को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो फिर उसे सामान वाले कमरे में मिल भी जाती है, मगर जहाँ वो पहले मासूम सी थी, चुपचाप सी थी, अब वो इतनी तेज हो गई थी कि काफी खतरनाक लड़ने लगती है। हालांकि डॉक्टर उसका मुकाबला करता है, उसे मारता है, मगर वो उस पर भारी पड़ के उसे काफी मारती है और आखिरकार उसकी जान ही दे देती है। अब आयरिस को ट्रेविस पीछे से ढूंढ लेता है और गन से उसको बेहोश कर देता है। अब तभी इधर कमांडर आकर ट्रेविस पर भी हमला कर देता है। अब जब रोबोट यहाँ आती है तो वो समझती है कि आयरिस बेहोश पड़ी है, इसीलिए उसके पास ही गुजरती है, मगर असल में तो ये बस इसे फंसाने का जाल था। कमांडर ने जो दरअसल ट्रेविस को पकड़ा हुआ था ताकि वो रोबोट को कंट्रोल कर सके, जिसके बाद कमांडर और आयरिस स्पेसशिप के बिजली वाले हिस्से पर हमला करते हैं। ऐसा करने से रोबोट पर बिजली गिरती है और वो टूट कर गिरने लगती है। अब बाद में कमांडर ट्रेविस को मारने का सोचता है क्योंकि उसने ये रोबोट में बदलाव किए थे, जिस पर वो कहता है
कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तभी इधर आयरिस अपना फैसला बदल लेती है। वो ट्रेविस की बजाय कमांडर को ही मार डालती है। आयरिस भी बताती है कि 98% जैसे लोगों में ये गड़बड़ी आई है, बचे हुए 2% लोगों में मैं भी हूँ। जब तो मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया, और आयरिस ने ट्रेविस को जिंदा इसलिए छोड़ा था क्योंकि रोबोट में बदलाव उसने नहीं किए थे। वो शुरू से ये जानना चाह रही थी कि आखिर उसने बदलाव किसने किए थे और वो झूठ कैसे बोल पा रही थी। इसीलिए उस बारे में ट्रेविस से पूछती है, जिस पर वो बताता है कि असल में वो रोबोट चाहती थी कि वो और मैं एक जैसे होकर एक दूसरे के करीब आ सके। इसीलिए उसने खुद नहीं अपने अंदर बदलाव किए थे। मगर मैं ये नहीं जानता था कि वो इतनी खतरनाक हो जाएगी और उसकी प्रोग्रामिंग भी बदल जाएगी। इन सब सवालों का जवाब पाने के लिए हमें जमीन पर जाना होगा। अब आयरिस ट्रेविस को एक छोटे स्पेसशिप के जरिए जमीन पर भेजती है। यहाँ पर जो भी हुआ वो सब बताने के लिए भी कहती है, क्योंकि खुद वो यही रुककर अपनी जान लेना चाहती है, खुद को खत्म करना चाहती है। वो कहती है कि मैं इसी लायक हूँ क्योंकि एक बार बचपन में गुस्से की वजह से मैंने किसी को मार दिया था। अब जैसे ट्रेविस यहाँ से दूर जाता है, वो इस स्पेसशिप को बड़े प्लेनेट पर गिराकर तबाह कर लेती है ताकि वो सारी मुसीबतों से छुटकारा पा सके और बाकी लोग भी केमिकल के खतरे से आजाद हो जाएं। और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाए।